बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, स्पेक्टेटर्स, वेलकम टू प्रोफेसर गुलाम हुसैन भट्टी केमिस्ट्री चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हेलाइड टॉपिक, सम रिएक्शंस रिलेटेड टू अल्काइल हेलाइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, वुड सिंथेसिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हेलाइड। When two ethyl chloride, this is one molecule of ethyl chloride, this is another molecule of ethyl chloride, when it will react with in the presence of sodium metal and ether as a solvent, then symmetrical alkene, that is butane, is produced. What is symmetrical alkene? जिन ऐसे carbon atom जिनमें ऐसी chain जिसमें 2, 4 या 6 कार्बन एटम्स हों, उसको सिमेट्रिकल अल्केन का नाम दिया जाता है। एंड सोडियम क्लोराइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हेयर जिंक विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 8 प्रेपरेशन ऑफ अल्केन दिस रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। आप यूट्यूब के ऊपर मेरा लेक्चर जो है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन के अंदर जो है ये रिएक्शन भी देख सकते हैं और इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। व्हेन इथाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक विच इज टेकिंग प्लेस एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन व्हाट विल हैपन? इथेन इज प्रोड्यूस्ड एंड जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड। Now, dear student, now the next reaction is reaction with sodium lead alloy Na4Pb. What is alloy? Two or more metals, combination of two or more metals is called alloy, that is sodium lead alloy. When sodium lead alloy is reacted with methyl chloride, then tetramethyl lead TML is produced and sodium chloride is also formed. Now, in the second step, this is ethyl chloride, this is methyl chloride. When methyl chloride is reacted with sodium lead alloy, then tetraethyl lead is produced, TEL, and sodium chloride is also produced here. It is TEL, tetraethyl lead, is an important component of anti-knocking agent. हमने anti-knocking agent जो है chapter 7 में मैंने डिटेल से पढ़ा है, आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। और इसमें एक कन्वर्जन आती है, क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू टेट्रा इथाइल लेड। आप ये रिएक्शन लिख देंगे, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू टेट्रा इथाइल लेड या कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड इनटू टेट्रा मिथाइल लेड। इट इज इंपॉर्टेंट कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड स्पेक्टेटर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMGX, इट इज कॉल्ड आर्मीन अल्काइल, Mg फॉर मैग्नीशियम एंड X फॉर हेलाइट। इट इज अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइट। यहां पर देखें R जो है, बोथ R एंड X, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। R भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेलोजन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि इसके सेंटर में जो मैग्नीशियम है, इट इज अ मेटल। सो वी कैन से दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रीज। माई डियर स्टूडेंट्स, वी कैन प्रिपेयर ऑल क्लासेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट was discovered by Victor Grignard. It was discovered by Victor Grignard in 1900. He was awarded as Nobel Prize in Chemistry for his discovery about Grignard reagent.
Now, my dear students, what is the preparation of Grignard reagent? How we can prepare Grignard reagent? It's a short question. Reaction of alkyl halide with magnesium metal. My dear students, when alkyl halide is reacted with magnesium in the presence of ether as a solvent, then what will happen? This magnesium will enter in the center of both R and X, and in this way RmgX will be produced. Similarly, in the second step, in the second reaction, it is an example, it is a general reaction. This is ethyl bromide. When ethyl bromide is reacted with magnesium in the presence of ether as a solvent, then ethyl magnesium bromide is produced. In place of R, we have put ethyl group, and in place of halogen, I have added bromide as halogen group. So it is the preparation method of Grignard reagent from alkyl halide and magnesium metal. Students, now I am going to tell you about the order of reactivity of alkyl halides. अब ये बात याद रखें, if halogen group is larger, अगर halogen group larger होगा, R, ये जो halogen है, Br, alkyl halide, alkyl magnesium halide, यानी कि Grignard region में जो halogen group है, वो उसका size अगर बड़ा है, वो अगर बड़ा होता है, R, इसके साथ, Grignard region के साथ alkyl group भी है, और alkyl group का size क्या हो, alkyl group is smaller, alkyl group smaller होगा, तो फिर क्या होगा? Then Grignard region will be formed easily. यानी halogen group larger हो, alkyl group smaller हो, तो Grignard region जल्दी बन जाएगा. Order of reactivity क्या है? Ri जो है, इसकी reactivity ज्यादा है as compared to RBr. It is greater than RCl. It is greater than RF. अब इसकी वजह क्या है? इसकी reason ये है कि Ri जो है ये larger size है इसका and easy to break down, और इसको इसका जो bond है R alkyl और iodine का जो bond है इसको break करना easy है as compared to R और F के bond को break करना. इसको break करना मुश्किल है और RF का size smaller है जबकि Ri का size larger है. अब इसके बाद जो है देखें, अगर हम जो है reactivity एक और देखते हैं, ये methyl हेलाइट, अब देखें आप हमने Ca3x को देखें, अगर R ग्रुप जो है बड़ा लगा हो या छोटा लगा हो उसकी क्या, ये तो हमने ये हेलोजन ग्रुप के लिहाज से देखा, अब हमने अल्काइल ग्रुप को जो है लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप लगा के देखेंगे. स्टूडेंट्स व्यूअर्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ Grignard रिएजेंट. लेट अस टेक, this is ethyl halide, it is ethyl halide. अब ethyl halide के अंदर देखें, this halogen contain partial negative charge, while this carbon contain partial positive charge. It is very important to note. अब ये alkyl group के functional group के साथ जो next carbon है इसको क्या कहेंगे, alpha carbon. This alpha carbon contain partial positive charge and this halogen contain partial negative charge. अब आ जाएं Grignard region में, क्या किया हमने? Grignard region जो है इसके अंदर एक different mechanism है. My dear students, R, ये देखें, ethyl, Ca3, Ca2, magnesium, halide, ये जो halogen है, halogen पर partial negative charge, this magnesium metal पर क्या आ जाएगा, partial positive charge, और ये जो alpha carbon है जो magnesium के साथ attach है, इस carbon के ऊपर partial negative charge produce हो जाएगा. अब ये जो magnesium है, magnesium पर कौन सा charge है, positive charge, तो इसलिए magnesium को क्या कहेंगे, electro positive. मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बन गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. लेकिन इसमें जो सबसे मेन जो क्वेश्चन है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया,
अब देखें माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, इसकी एक रीजन है जिसकी वजह से ग्रिगनार्ड रीजेंट को हम यूज करते हैं, इसकी एक इंपॉर्टेंस अलग है। अब देखें कार्बन के ऊपर जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया तो ये कार्बन को क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोफाइल। कार्बन बिकम्स न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। सो दिस कार्बन, ये जो कार्बन है ये इजीली अटैक कर सकती है किसके ऊपर, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, मैंने बड़ी डिटेल में दो लेक्चर पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में बड़ा डिटेल लेक्चर दिया है, आप सुने उसे। ये चूंकि न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन, ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव स्पीशीज के ऊपर जो है दिस कैन इजीली अटैक। नाउ फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज एन अनयूजुअल कैरेक्टर, इट इज अनयूजुअल। अब कार्बन के ऊपर ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेलप हुआ, इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से ग्रिगनार्ड रीजेंट हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव होता है। ये याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाई ग्रिगनार्ड रीजेंट इज हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव, एक्सप्लेन विद रीजन। आप कहेंगे यहां कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेलप हो गया है जिसकी वजह से ग्रिगनार्ड रीजेंट हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव होता है, और यूजली ये इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। साथ ये भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजेंट। आप ग्रिगनार्ड रीजेंट तैयार कर रहे हैं, विक्टर ग्रिगनार्ड ने प्रिपेयर किया था, ग्रिगनार्ड रीजन की फॉर्मेशन के अंदर क्या प्रिकॉशन हमें करनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजेंट वी मस्ट यूज एनहाइड्रस ईथर। हमें एनहाइड्रस मीन ड्राई, जिसके अंदर मॉइस्चर ना हो, ऐसा ईथर एज सॉल्वेंट यूज करेंगे। ये देखें हमने ये ग्रिगनार्ड रीजेंट बनाया तो किससे बनाया, इथाइल ब्रोमाइड एंड मैग्नीशियम मेटल के रिएक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज सॉल्वेंट। ये जो ईथर यूज किया, दिस ईथर मस्ट बी एनहाइड्रस मीन ड्राई। अगर ये ईथर मॉइस्चर हो, इसके अंदर एनहाइड्रस ना हो, हल्का सा भी मॉइस्चर हो, तो क्या होगा, ये क्विकली रिएक्ट कर देगा और ये कोई दूसरा प्रोडक्ट बना देगा। हम ग्रिगनार्ड रीजेंट नहीं तैयार कर सकते, ये प्रोडक्ट हम हासिल नहीं कर सकते अगर हम इसमें एनहाइड्रस ईथर यूज ना करें। सो टू रिड्यूस इट्स रिएक्टिविटी, अब हमने क्या करना है, इसकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए ईथर मस्ट बी एनहाइड्रस, दैट इज ड्राई ईथर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड स्पेक्टेटर्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट योर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ग्रिगनार्ड रीजेंट एंड रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड हैव बीन क्लियर्ड। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। थैंक यू।